देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है। इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है, वहीं आर्थिक गतिविधि की आर्थिक छूट दी गई है। नंबर एक, अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन से हैं। इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा। राज्य सरकार ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी। नंबर दो, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ऑनलाइन फूड साइट, ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा। नंबर तीन, सैलून, मिठाई की दुकान समेत कई अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेगी कि उन्हें कौन सी दुकानें खोलनी है और दुकान खोलने का क्या नियम हो सकते हैं। यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर चार, पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जा सकेंगी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों को हेल्थ एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है। नंबर पाँच, लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे, दर्शक नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या IPL शुरू हो पाएगा, अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नंबर छह, अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। नंबर सात, लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा। नंबर आठ, पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू विदेशी उड़ानें, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। नंबर नौ, किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक लोग इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33-50% दफ्तरों के साथ ही खोला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी। नंबर 10, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है। अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। साथ ही प्रेग्नेंट महिला का बाहर निकलना भी मना है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।